हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ रेड जेल फूड कलर की रेसिपी। इस फूड कलर का इस्तेमाल आप केक, कपकेक, फ्रॉस्टिंग, आइसिंग, स्वीट्स, पैनकेक जो भी बनाते हैं उसमें कर सकते हैं। 6 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे इसे स्टोर करना है और कैसे इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना है वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़े साइज का बीटरूट यानी कि चुकंदर। अगर आपके बीटरूट छोटे हैं तो आप 2 छोटे साइज के बीटरूट भी ले सकते हैं। अच्छे से धो के हम बीटरूट का छिलका निकाल लेंगे और छिलका निकालने के बाद हमें इसे ग्रेट करना है। तो देखिए, अच्छे से मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। एकदम नेचुरल तरीके से हम इस कलर को बनाएंगे, किसी भी तरह के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे अच्छे से जो बीटरूट है वो 1 कप यहाँ पर कसकर तैयार हुआ है। तो इस बीटरूट को मैं डाल रही हूँ एक पैन के अंदर। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और जितना हमने बीटरूट लिया है उसका डबल हमने डाला है पानी। तो यानी कि 2 कप मैंने यहाँ पर डाला है पानी। बस अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर जब हम इसे चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो बीटरूट है वो अच्छे से पक गया है और उसका कलर भी थोड़ा थोड़ा सा लाइट होने लगेगा। बस 10 मिनट के बाद आप गैस को कर दीजिएगा बंद और एक बर्तन में यहाँ पर मैंने रखी है चलनी और इस पानी को हम चलनी के ऊपर से डाल देंगे, जिससे हमें जो बीटरूट होगा वो चलनी के ऊपर मिल जाएगा और छना हुआ जो पानी होगा वो एक बाउल में कलेक्ट हो जाएगा। अच्छे से हम इस बीटरूट को स्क्वीज करके सारा पानी निकाल लेंगे। आप इस बीटरूट को फेंके नहीं, किसी भी तरह की स्टफिंग बनाने में आप इस बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे स्वीट बना सकते हैं या पराठे की स्टफिंग कर सकते हैं। तो अब जो नीचे हमें पानी मिला है इसे हमें दोबारा पकाना है। तो इसके लिए सेम उसी बर्तन को एक बार आप धो लें और इस सारे पानी को मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच चीनी और अब हमें इस मिक्सचर को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। ये सेम वही प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से हम चाशनी बनाते हैं, बस हमें इसे गाढ़ा करना है, कभी मीडियम फ्लेम पर और धीरे धीरे हमें हाई फ्लेम करनी है। और लगभग 15 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाने के बाद आप देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा। बस इस कंडीशन पर आप गैस का फ्लेम कर दीजिएगा स्लो और अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस। यहाँ पर अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप 1/2 छोटा चम्मच विनेगर डाल सकते हैं। विनेगर या नींबू का रस यहाँ पर देखिए 3 तरह से काम करेगा। पहला तो इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा, दूसरा ये जो कलर है इसको मेंटेन करेगा और तीसरा ये है कि अगर हम इसे कलर को व्हिप क्रीम में या आइसिंग में इस्तेमाल करेंगे तो नींबू का रस और जो विनेगर होता है वो स्टिफ फीक बनने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से डाला हुआ नींबू का रस 3 तरह से काम करेगा। आप देख सकते हैं एकदम ब्राइट कलर का हमारा एक कलर बनकर तैयार हुआ है। गैस को कर दीजिएगा बंद और कलर बनने के बाद यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हल्का सा तार यहाँ पर बनेगा। बस हमारा कलर बनकर एकदम तैयार है। आप एक बाउल के ऊपर रखिएगा छोटी चलनी और इस कलर को छान लीजिएगा। आप देख सकते हैं चलनी के ऊपर छोटे छोटे से दाने जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, इनको आप अलग कर दीजिएगा और ये हमारा रेड जेल फूड कलर बनकर एकदम तैयार है। जब ये कलर ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिएगा। आप इस कलर को 3 महीने तक फ्रिज में और 6 महीने तक डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि इस कलर का इस्तेमाल हमें कहां पर किस तरह से करना है। तो अगर इन गर्मी के दिनों में आप शेक बनाते हैं या स्मूथी बनाते हैं तो 1/2 छोटा चम्मच कलर आप अपने दूध में या स्मूथी में मिक्स कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारे यहां पे दूध में आया है। चूँकि नींबू का रस अच्छे से पक चुका है तो दूध आपका नहीं फटेगा। और दूसरा, अगर आप केक का बैटर बना रहे हैं या पैन केक का बैटर बना रहे हैं तो 1/2 छोटा चम्मच एक कलर आप अपने बैटर में ऐड कर दीजिएगा। एकदम फाइन कलर आपके केक में या आपके पैनकेक में आएगा और चूंकि एकदम नेचुरल है तो आप इसे अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और तीसरा, अगर आप व्हिप क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाते हैं या चीज़ क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाते हैं तो थोड़ा सा कलर आप फ्रॉस्टिंग में ऐड कर दीजिए। देखिए, इस तरह का कलर हमारी फ्रॉस्टिंग में आएगा। तो आप इस कलर का इस्तेमाल कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ।
उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।